सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश पांच देव मिल रक्षा करहूं ब्रह्मा विष्णु महेश आदि भवानी शारदा विनय करूं कर जो दास जान के कृपा करी बिनती सुनिए मो कंठ विराजय सरस्वती हृदय में बसी है महेश आप भूल लो अक्षरिया बता दिया गौरी के पुत्र गणेश सांझ परे तब दीप जले भोर भय तब बोलही मुर्गा आप छतरी चढ़े ताबा मुख से बोले ले जय जय दुर्गा प्रथम मेरा नवादी करिए गौरी के ललनवा आता प्रथम मेरा नवादी करिए गौरी के ललनवा अजी न खर पूजनवा प्रथम हो बैसान तू गाता सुरु जाते और बसु मीरा
भैया बाता बाढ़ जा
दरबारी। प्रणाम मामा जी। खुश रहो दरबारी, जाकर आल्हा सिंह को खबर करो कि उरई से मामा माहिल आए हुए हैं। ठीक है मामा जी, मैं जाकर खबर करता हूँ। दरबारी भैया चाल ले बराबर भैया। आल्हा सिंह जी को दरबारी का प्रणाम स्वीकार हो सरकार। हाँ खुश रहो दरबारी, क्या बात है दरबारी? बात ऐसा है सरकार की आपके दरवाजे पे आपके मामा जी आए हुए हैं। मामा जी आए हुए हैं जी, उरई से। बहुत दिन की बात है मामा जी आज पधार दिए हैं दरबारी। ठीक है दरबारी, आपसे मिलना चाह रहे हैं सरकार। मिलना चाह रहे मामा जी, तो बुला के लेते आओ दरबारी जी। मैं बुला के लाता हूँ मामा जी। हाँ दरबारी बोलो। बुला रहे हैं आपको, चलिए अब हमारे साथ। चलो। हाँ प्रणाम मामा जी। खुश रहो आल्हा सिंह। मामा जी बहुत दिनों के बाद पहुँचे हैं मामा जी आज। आज तो मामा ताली सुनीला उरई के सारा दा कहना कुतलिया मामा गढ़ाओ रई के। अब कैसा ना कुचलिया मामा रही जी तुहार। रही तो ना कुचलिया मामा रही जी तुहार। मामा जी। हाँ लक्ष्मी बोलो। कहना यह मामा जी कि गढ़ौरी का कैसा कुछ है मामा जी, वो कह के सुनाइए मामा जी। अरे भगना कहनवा के माना हमार, भगना कहनवा के माना हमार,
चाही कुचलिया रहो उरई चाही कुचलिया रहो उरई भगना के हनुमा के माना हमार चाही कुचलिया रहो उरई अपन कुचलिया दाना बता यही कहन मार हो हमरा के आला सिंह हम बाबाजी उरई का तो कुचल बिल्कुल सही है लेकिन जरा महुआ के कुचल सुनाओ। ठीक है बाबाजी। आत्मा मा सुनीला दवा मामा दहियो भारी जो डरवा मामा लागई हमारे भगिना के हनुमा के माना हमार बाघे न मैया के दूध तू पियला वो तू रनिया से के लगेरा वो तू रनिया से के लगेरा पहला जन्म लला छतरी कहे जन्म लला छपरी अब बात काहे बोलते हैं मामा जी। अल्लाह सिंह मैं ठीक बोल रहा हूँ इसलिए हमारा यहाँ के और थर थर बदन कांपने लगता है लेकिन मतलब छतरी तुम नहीं है कहला जनमिया लेला छतरी तो रोजी अलका के हो भी धकार अल्लाह सिंह। हाँ मामा जी तुम अपने को छतरी मानता है लेकिन जब भी मैं महुआ आता हूँ तुम्हारा बदन थर थर क्यों कांपने लगता है। अरे बारा बारी से कुकुर जियो सोला बारी से जिए लतियार सोला बारी से जिए लतियार छठी से बारा से छतरी जियो छठी से बारा से खटरी जियो बाकी जियल का के हो भी दकार बाकी जियल का के हो भी दकार बागी ना का हनमा मानी जाइबो हो अल्लाह सिंह। हाँ मामा जी ये तुम जानते हो ना
कि कुत्ता की आयु 12 बरस और सियार का आयु 16 बरस और छतरी का आयु 36 बरस है, बाकी जिना जिसकार है, फिर तुम क्यों डरते हो? मामा जी, आप ये बताइए मामा जी कि कौन कारण से आप महुआ में आए मामा जी, वो आप कह के सुना दीजिए मामा जी, हमको भारी डर लग रहा है मामा जी। बारा बारा सा बितलो गौना के अब लाना देखली है बहुआ के रूप, लागल ललसवा है मोर दिलावा में, लागल ललसवा है मोर दिलावा में, दिल के ललसवा दाना पूरा। अला सिंह, हाँ मामा जी, तुम्हारा गौना के 12 बरस बीत गया लेकिन अभी तक बहू के रूप मैंने नहीं देखा। हम बहुत सोच के बहुत दिनों के बाद महुआ में आए हैं कि चले जरा आज बहू का रूप देख लें, तो ऐसे तो अल्लाह सिंह बुलाया ही नहीं लेकिन आना पड़ा। लेकिन मामा जी आप कहते हैं आपको डर क्यों लगता है अल्लाह सिंह, लेकिन हमको भारी डर लग रहा है मामा जी कि अगर मालनी की बात क्या है कि आपको तो उससे भेंट करने आए हैं, कुछ न कुछ कह ही के जाइएगा। वैसी बात नहीं है अल्लाह सिंह, तुमको भ्रम है, तुमको मने डर लगता है, छत्री कहलाने का अधिकार तुम्हें नहीं है। दरबारी जी सरकार, बोलिए हुजूर। मामा जी का बहुत मन है कि तो उसे हम भेंट कर लें, लेकिन जाओ दरबारी,
रानी सोनमा से भेंट करवा दो जाके। ठीक है हुजूर, जाता हूँ। अत दरबारी चले बराबर चाल, रहिया पकड़ ललके रंगा महल के। रंग महला में पहुंचा जाए, जहाँ भवन रहे रानी सोनमा के। जाई के पहुंची गईले रंगमा। रानी जी को दरबारी का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो दरबारी। बात ऐसा है कि आपसे मिलने के लिए मामा जी आए हुए हैं। प्रणाम मामा जी। खुश रहो बहू। आता मामा तनी सुनीला, उराई के सरदार। हत्ता कहाना कुसलिया मामा जी, गढ़े उराई के कहाना कुसलिया जी मामा, गढ़े उराई के। कैसना कुसलिया मामा रहो जी तोहार, कैसना कुसलिया मामा रहो जी तोहार। कहाना कुसलिया मामा गढ़े उरई के, कैसा ना कुसलिया मामा रहो जी तोहार। कवानी करनवा मामा आइला मोहमा, जेकर तानी भेदवा मामा दाना बातला। मामा जी, उरई का समाचार कैसा है थोड़ा हमें बताइए, और किस कारण से यहाँ पधारना हुआ हमें बताइए। बहुआ कहनवा के माना हमार, चाही कुसलिया रहो उरई के, चाही कुसलिया रहो उरई के। बहुआ कहनवा के माना हमार, कार्तिक महीनवा है पूर्णमासी दिनवा, गंगवा में लोगवा करैया स्नान, गंगवा में लोगवा करैया स्नान। गेहूँ मनुष्यवा गंगा नहरो, जीवनवा सफल हो जा। बहू, ये कार्तिक का महीना है बहू। जी मामा जी। और ओकरो में ऐसे शुभ होता है कार्तिक महीना, लेकिन उसमें पूर्णिमा है बहू। पूर्णिमा तो और शुभ है, इसलिए हम सोचा कि जरा इसका खबर बहू को जाके महुआ में दे दें। और इसलिए हम आए हैं कि कार्तिक महीना में स्नान करना बहुत पुण्य का काम है, और जो स्नान करेगा उसका जीवन सफल हो जाएगा बहू, यही कारण से मैं आया हूँ। बहुत अच्छी बात है मामा जी, जब आपने हमें ये बात बताई है तो मैं जरूर गंगा स्नान करने जाऊंगी। ठीक है बहू, मैं अब चलता हूँ। ठीक है मामा जी, प्रणाम मामा जी। खुश रहिए बहू। अरे अगिया लगा चलिए गढ़ मोहबा में, अगिया लगा चलिए गढ़ मोहबा में, करे सननिया सुनमा अब जैत,
संगवा में जैत उडल बबुआ हरण करा दे भैया बहुगला के हरण करा दे भैया बहुगला के महुआ के सनवा दे बुताई अल्हा के सनवा दे बुताई पांचो कहनवा मानी जैवा जी हमार सनवा बुताई दरबारी जी रानी जी बोलिए अभी तुरंत बंगले पर जाओ और मेरे पति को बुला कर लेकर आओ ठीक है रानी जी मैं जाता हूँ बुला के लाता हूँ अत दरबारी चले बराबर चाल रैया पकड़ के बीच बंगला के दरबारी चले बराबर चाल रैया पकड़ के बीच बंगला के बंगला में पहुंचा जाए लागल कचहरी रहे अल्हा के दरबारी भैया चाल ले बराबर भैया चाल अजाई के पहुंची गई ले महाराज दरबारी का प्रणाम स्वीकार हो सरकार खुश रहो दरबारी क्या बात है दरबारी बात तो कुछ गड़बड़ लग रहा है सरकार क्या गड़बड़ लग रहा है दरबारी लग रहा है कि कुछ हो गया है हमको तो समझ में नहीं आता है उतना लेकिन आपको रानी सोनमा जी बुला रही हैं अपने महल में रानी सोनमा बुला रही है ना जी सरकार ठीक है दरबारी रानी महल में क्यों बुलाई रानी महल का क्या समाचार है रानी आज तो रानी है सुनीला किया तो रकम गए लो मा गैया डोली
रानी किस कारण से बुलाए रानी तो बताइए रानी। स्वामी हमें किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन किस कारण हम आपको बुलाए हैं सुनिए। कार्तिक महीनवा जी स्वामी पूर्णमासी दिनवा, कार्तिक महीनवा जी स्वामी पूर्णमासी दिनवा, आ गंगवा में लोगवा स्वामी कर आसना, स्वामी तनी हमरा के रानी, अब बात बोलती है रानी तो बोली तो सुना लगते रानी। देता हल हुकुमिया स्वामी तनी हमरा के, गंगावा में गोतवा स्वामी लगा। स्वामी जी अगर आप हुक्म देते हैं तो हम गंगा से स्नान करके आ जाते। बहुत शुभ समय आया है, कार्तिक का महीना है, इस महीने में जो भी गंगा स्नान करता है उसका जीवन सफल हो जाता है। तोहरा जोड़िए जी स्वामी आ करिए अरजिया जी, आ स्वामी जी अर्ज पर देता हल धे या नवानु जी,
आ स्वामी जी अर्ज पर दैता हल धे या नवानु जी लागल है लाल सवा जी स्वामी हमारा जे दिलावा में लागल है लाल सवा स्वामी हमारा के दिलावा में आ स्वामी जी गंगावा में गुतवा हमला गई तीनू जी और सुना बात ना सुना रानी हमारो कहनावा जी माना कहनावा ना रानिया कहना या बात है रानी जी कि हमारा बामन किला में दुश्मन है रानी हम किस तरह से हुकुम दे सकते हैं रानी हम हुकुम नहीं देंगे रानी जदीना हुकुमिया स्वामी देबू हमरा के जदीना हुकुमिया स्वामी देब हमरा के अकेले में परनवा स्वामी जी दे बैजी गवाए किलवे में परनवा स्वामी जी दे बैजी गवाए मुहाना देखै बै स्वामी गढ़ मोहवा में आपन परनवा स्वामी देवै जी गवाए स्वामी जी अगर आप हमें गंगा स्नान के लिए हुक्म नहीं देंगे तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। अब बात बोलती है रानी तो कड़वा पानी लगता है रानी हम किसी तरह से कोई तरह से हम हुक्म नहीं देंगे रानी चाहे किले में प्राण दे दो चाहे जे कर दो कहला रुदनामा
खुश रहिए उदल सिंह। अब भाभी जी तान सुनिला बचनिया जी हमार, अब कवनी विपतिया जी भाभी पर दे या पर अब कवनी विपतिया जी भौजी दे या पर और जे करता निभेदवा भाभी देता बातला अभी जी बीच
बंगला से बुलाने का तत्पर क्या है भाभी जी बताइए, क्या किला में कोई अंधन सोना कम गया है, क्या कम गया है, धन दौलत कम गया है कि मगी ढोली पान कम गया है, क्या कम गया है भाभी जी, वो बताने का कृपा कीजिए, जथा शक्ति हो सकेगा तो हम उसे पूर्ति करेंगे। देवर जी किस कारण हम आपको यहाँ बुलाए हैं जरा सुनिए। कार्तिके महीनवा जी देवर पूर्णमासी दिनवा, कार्तिके महीनवा जी देवर पूर्णमासी दिनवा, आ गंगवा में लोगवा देवर करया सना, गंगवा में लोगवा देवर करया सना, लागल है लालसवा देवर मोर दिलवा में, गंगावा में गोतवा देवर लेतिए जी लगाए, एही ला बोलवली देवर तोरा बंगला गंगा जी में चल के तू करा दया स्नान, देवर जी कार्तिक का महीना और पुनिया के दिन जो भी आदमी गंगा में स्नान करता है उसका जीवन सफल हो जाता है, मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ गंगा स्नान के लिए चलिए। ठीक है भाभी जी, आपका बातों का स्वागत मैं करता हूँ, लेकिन जब तक मैं अपने दादाजी से ऑर्डर नहीं लूंगा, जब तक मैं गंगा स्नान नहीं जा सकता हूँ। अगर हम बंगला से ऑर्डर मुझे दादाजी से मिल जाता है तो आपके साथ हम गंगा स्नान अवश्य चलूंगा। भरवा भूत लगाई दरबार बड़बार जोधा बैठाई बंगला पर, ठेहुना नगन धरई तलवार बड़बार जोधा रहाई बंगला में, रूदल सिनेमा चाल लई बराबर नैया दादाजी के चरणों में प्रणाम। खुश रहो रुदल, क्या बात है रुदल? बात तो ऐसा है दादाजी कि हम अभी रंग महल किला से आ रहे हैं, तो वहां तो देखे कि भाभी सोनमा रोधना पसारी हुई है गंगा जी स्नान के लिए, उनको मन है कि हम कार्तिक पूर्णिमा के दिन हम गंगा स्नान जाएं, तो सुनिए दादाजी हम सुनाते हैं। अत दादाजी तान सुनिला मांडल के शारदा आव कार्तिका महीनवा जी दादा पूर्णमासी दिनवा, अव
कतिका महीनवा जी दादा पूर्णवासी दिनवा और गंगावा में भाभी कारे जैसी नया सना दादाजी। कार्तिक महीना पूर्णमासी का दिन भाभी जी का कहना है कि अगर गंगा जी स्नान कराए थे तो अच्छा रहता, तो हम तो बोले कि तब ठीक है जाते हैं बंगला में दादाजी के पास, अगर वो ऑर्डर दे देंगे हुक्म देंगे तो हम जाएंगे। अब जैसा आ गया अगर जो दे सकते हैं ऑर्डर तो हम उनको गंगा स्नान करा सकते हैं। रुदाल तुम नहीं जानते रुदाल, हाथी का चक्कर और औरत का मक्कर दोनों के बराबर होता है रुदाल। दादाजी भाभी बहुत जीत कर रही हैं, इसलिए आपसे आग्रह है दादाजी कि हमें अगर आप आदेश देते तो भाभी सोनमा जी के हम गंगा स्नान कराने के लिए चले जाते। आज तो बाबूआ सुनीला लो बाबुआ आज तो जाले ना मरम आए बबुआ रानी सो नवा के जाले ना मरम आए बबुआ रानी सो नवा के और गंगावा में ले जाके दे तू मारवा हमारा यही कहानवा रहा हमारा के।
कुदल, हाथी का चक्कर और औरत का मकर बहुत बड़ा होता है रुदल। तुमको बार बार बरसते हैं रुदल, ये भाभी का फेर मत पर रुदल और तू गंगा स्नान मत करावे जा रुदल। ठीक है दादाजी, अगर आप आता देवर जी तने सुनिला बचनिया जी हमार, अबा कोखिया बिगड़ला जी देवर मोरे सासु के, अबा कोखिया बिगड़ला ये देवर मोरे सासु के, अमोग देवर को खिया से लिहलाया बता, अपन रानिया के मौगा बन के रहा तू मोहबिया के राय, से जिया तू चढ़ जा देवर अपन बही कसम देती हूँ कि गंगा स्नान के लिए आप चलिए। आप कहते हैं कि हम क्षत्रिय हैं, रुदल सिंह हैं, अपना नाम का बखान करते हैं और गंगा में स्नान करने से डरते हैं, तो कैसा क्षत्रिय हैं आप? भाभी जी, ऐसा वचन बोलने के लिए कोशिश न करें, कट कट मास गिरे धरती पर ताने धरे पिछाड़ी पाओ। अब भाभी जी ताने सुनिला कहा नवाज हमार, आइए जो बचनिया जी भाभी बोला ला से बोला ला, आइए जो बचनिया जी भाभी बोला ला से बोला ला, और बोलिया जो लगलाई जैसे बोलिया के समा, भाभी गोलिया के समान, ऐसा ना बचनिया भाभी बोला हमारा से, भाभी तानी सुनिला सुनाए भाभी जी, ऐसा वचन मत बोलिए भाभी जी, अगर हो सके तो गंगा स्नान कराना न कराना अलग की बात है, लेकिन गाली गलौज देना और आन चढ़ाना बहुत दिक्कत की बात है। आज तक मोहवा में रुदल सिंह को कोई गाली गलौज और किसी तरह का गलत व्यवहार नहीं किया है, आई पहला सच भाभी जी आपका है।
किसी के लिए आन चढ़ा देना, गाली दे देना, ये किला के लिए शोभनीय चीज नहीं है। अत भभी तनी सुन ला सोनाए सुकुमार, दादाजी मैं तो किला से आ रहा हूँ, भाभी जी को गंगा के बारे में बहुत समझाया, बहुत कहा, लेकिन भाभी मानने के लिए तैयार नहीं है। हमको लगता है कि गंगा स्नान के लिए आदेश देना ही पड़ेगा। ओ वो दादाजी तानी सुनी ला आवाजी दालू कुमियाए दादाला बगांगा के दालू कुमियाए दादा तानी गांगा के और भाभी के करावे दादा जैतिया सदा। दादाजी भाभी बहुत ग्रांड के बात बोलती है, ऐसा ग्रांड के बात बोलती है कि बर्दाश्त से फालतू होता है। दादाजी अगर आप आदेश नहीं देते हैं दादाजी तो मैं किले में प्राण गमा दूंगा। जदि न हुकुमिया दादा देवा हमारा के किले में पालनवा दादा देव मुहमाना देख वही दादा गड़ा महुआ में
मामा बुताई दे भाई बघारू डाला के प्राणवा के नाही दादा राय पारवा। ठीक है रुदाल, जब ऐसी बात है रुदाल तो हम गंगा के लिए हुक्म देते हैं रुदाल, लेकिन प्राण मत दो रुदाल। दुनिया में सब कोई मिलता है रुदाल, लेकिन भाई नहीं मिलता है रुदाल। सुनो रुदाल, सुत बित नारी भवन परिवार हो जान जग बारम्बार अस विचार जिया ताता मिली है न जग में सहोदर भ्राता। रुदाल धन मिलता है रुदाल, संपत्ति मिलता है रुदाल, और सब कुछ मिलता है रुदाल, लेकिन भाई नहीं मिलता है रुदाल। तू बात के समझो रुदाल। डोलिया सजग लैलानी सोना के हुमचे लगल बकिसा कहाँ आगे आगे चाले उदलसिना पाछे से चला ले सोना सुकुमार पूछा रोज के मंदिर कर के गढ़ा चाया बाबतिया के छोड़ दचार चाई बतिया के आवाज़ आया